शासन के आदेशानुसार राशन कार्ड के नवीनीकरण के प्रक्रिया शुरू होए ले नगर गांव और हर पंचायत में लोगन के उत्सवी माहौल बने हुए हैं। इस शिविर में ग्रामीण मन ला कोनो परेशानी तो नहीं हुआ थे, एकर जायजा पर हमारे रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता ग्रामीण मन लंग बात करी। तो ग्रामीण मन बताए कि कोनो प्रकार के परेशानी तो मन ला नहीं हुआ थे, पंचायत में एकर सुविधा पर पूरा ध्यान रखे गए हैं। उन्हें लोगन उत्साह के साथ अपन पूरा परिवार ला लेके राशन कार्ड नवीनीकरण के शिविर में पहुंचा थे। सीपत ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष भोई और पंचायत सचिव हेमंत पटेल हा बताए कि शिविर में आए वाला हितग्राही मल्ला कोनो भी प्रकार के परेशानी के सामना करे बर झन पर है। इला देखत हुए चार जमा काउंटर की व्यवस्था करे गए है। वह हितग्राही मन पर छाया की व्यवस्था और पानी की भी समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से करे गए है। जानकारी के अनुसार अभी तक सीपत पंचायत में लगभग 70% राशन कार्ड नवीनीकरण के फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चली। अभी सिर्फ राशन कार्ड के नवीनीकरण हुआ थे। राशन कार्ड शिविर के चलते क्षेत्र के आधार कार्ड सेंटर, फोटो कॉपी दुकान और स्टूडियो मन में भी भारी भीड़ दिखाई देवत है। कारण ये है कि राशन कार्ड में सबके आधार कार्ड के फोटो कॉपी, मुखिया के फोटो और कई ठन दस्तावेज जमा करेला परत है। वहीं जिन परिवार हा गांव ले बाहर कमाए खाए भर गए हैं, ओमन फिर राशन कार्ड नवीनीकरण के चलते अपन गांव आके प्रक्रिया ला पूरा करत है। चार वार्ड खाना में राशन कार्ड बनवाए में कोई परेशानी थोड़ी आती है अभी नवीनीकरण में? ये नाम जुड़वाए वाला है कि है नया राशन कार्ड नवीनीकरण के नया कार्ड बना नवीनीकरण वाला है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ये कहाँ करे आई है? ग्राम पंचायत सीपत में नवीनीकरण, नवीनीकरण में कोई परेशानी तो नहीं होते ना? नहीं होते ना? अच्छा ठीक है। स्कूल विभाग से अधिकारी लोग आए थे, कुछ फार्म छोड़े हैं, कुछ फार्म हम लोग फोटो कापी करवाए हैं, बाकी अभी कोई कमी नहीं। जैसे यहाँ की गाड़ियों की संख्या को देख करके आपको नहीं लगा कि उतना पर्याप्त मात्रा में यहाँ कार्ड होनी चाहिए थी? पर्याप्त मात्रा में कार्ड फार्म जी फार्म तो मिला था, लेकिन कुछ हितग्राहियों के द्वारा ना गलत भर ले गए थे, इसलिए कमी पड़ा। तो मैं जनपद से फिर व्यवस्था करवाया हूँ, कुछ फोटोकॉपी यहाँ ग्राम पंचायत से करवाया। आपको लगता है कि समय अवधि में नवीनीकरण कार्ड पूरा फॉर्म जमा हो जाएंगे? हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कल डेट तक, कल तक 1320 फॉर्म जमा हो गया है। टोटल हितग्राही 1986 है और अभी फॉर्म भरने का काम जारी है। किस तरह का सुविधा दिया गया है यहाँ? कितने टेबल काउंटर लगाए गए हैं? 4 टेबल काउंटर लगाए गए हैं और सामने में टेंट की व्यवस्था छाया के लिए। पानी वानी की क्या व्यवस्था है? जैसे हितग्राही आ रहे हैं जमा करने, उसके लिए ड्रम रखे हैं, गिलास वगैरह है, उसमें पानी वानी की व्यवस्था कर दी बाहर में। ये नवीनीकरण का समय कब तक रखा गया है शासन के द्वारा? 29 जुलाई तक 29 जुलाई तक लास्ट है, 29 जुलाई को। उसके पहले लगभग अब 70% लगभग जमा हो गया फॉर्म। क्या क्या अभी सिर्फ नवीनीकरण किया जा रहा है कि राशन कार्ड भी नए बनाए जा रहे हैं? अभी सिर्फ नवीनीकरण है। अक्टूबर में सूचना है कि अक्टूबर से फिर नया राशन कार्ड छूटेगा तो बनेगा। चूँकि आपकी ग्राम पंचायत में काफ़ी हितग्राही हैं, कोई समस्या आपको तो आती होगी? अब पर्याप्त यहाँ सहयोग करने वाले हैं, सरपंच लोग और जिन वहाँ से आंगनबाड़ी से ड्यूटी लगी है, तो थोड़ा दिक्कत नहीं है उस टाइप का।